नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव, APS क्लासेस कुलवार सुल्तानपुर। आपके सामने बड़ी एक अपडेट है बिहार से। वो अपडेट ये है कि जो BPSC एस्टेट पेपर सेकंड चल रहा है 11 से 19 के बीच में, तो वहाँ पर एक 18 जून का जो पेपर है उसको भैया थोड़ा सा यहाँ पर जो लोग अपना टिकट करा लिए हैं 18 तारीख का एग्ज़ाम का प्रथम पाली, ठीक है ना, प्रथम पाली या तो 18 तारीख का वो चाहे एस्टेट पेपर 2 का हो या फिर बिहार में प्रेजेंट टाइम पे DLED का भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो वहाँ पर ये 18 तारीख के जो भी एस्टेट वाले हैं जो बाहर से हैं अपना टिकट करा लिए होंगे रेलवे मतलब ट्रेन का, तो वो लोग उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मामला संगीन हो गया। तो मामला संगीन क्या है, हम मामला आपको पूरा स्पष्ट बताते हैं कि बिहार में जो एस्टेट पेपर सेकंड का चल रहा है उसमें 18 जून का जो पेपर है, 18 जून ठीक है, उस पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। मतलब वो पेपर 18 को अब नहीं होगा, और ये साफ साफ बात इन्होंने बताई है कि वो जो पेपर है वो प्रथम पाली का है, कैंसिल हुआ है यानी हटाया गया है प्रथम पाली का। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 18 जून को जो प्रथम पाली यानी 10 से 12:30 के बीच का जो एग्ज़ाम है वो हटा हुआ है, और DLED का एग्ज़ाम जो है वो हटाया गया है। तो हमें DLED से अभी नहीं मतलब है, हमें अपने बिहार के एस्टेट से मतलब है, जो बाहर के अभ्यर्थी हैं जो जाएंगे पेपर देने, अब यहाँ पर वो अपना रिजर्वेशन अगर करा लिए हैं या कुछ भी तो उनका क्या होगा, कैसे उसको अपना बचाएंगे या क्या करेंगे, तो ये उनकी भाई जिम्मेदारी है। क्योंकि वहाँ पर अब ये कारण क्या है इसका, तो कारण इसका क्या है, ईद है भाई, ईद इसका कारण बताया जा रहा है। क्योंकि भाई देखो, ईद जो है चांद के ऊपर डिपेंड करता है, मुझे लगता है ऐसा अपना कुछ देखते हैं, तो उसकी कोई डेट जो डेट है फिक्स नहीं होती है, तो 18 तारीख को ईद मनाई जाएगी, इस वजह से वहाँ पर भीड़ को देखते हुए या अपना कुछ भी सरकार ने ये कदम उठाया है। वैसे अच्छा कदम है, अच्छा विचार है कि ज़्यादा इधर उधर कुछ ना हो, हंगामा ना हो, इस वजह से ये जो है पेपर को हटाया गया है। अब बात यह आ रही है ये पेपर अब होगा कब, तो ये जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम आपका जैसे एस्टेट पेपर 1 का जो सारण जिला का पेपर वैसे 4 जिले का लगभग हटा था, तो उसका पेपर जैसे 11 से पहले करा लिया गया, तो वैसे अब ध्यान ही रखिएगा जो अब ये पेपर होगा ये मान के चलिए 19 और 22 के बीच में हो जाएगा, मतलब 20, 21 और 22 इन्हीं तीन डेट में, यानी कि 19 वाला पेपर हो जाएगा, तो उसके बाद ये आपका 18 वाला एग्ज़ाम होगा। लेकिन कब होगा इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी अपडेट हमारे पास आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।